हेलो बच्चों, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है और ये टॉपिक जो है हमारा वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इंटरनल क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं बेटा इसमें, ओके। और ये बताना है, ट्रांजिशन से ये पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह का है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, हेट्रो कंपाउंड है या सिंपल कंपाउंड है। आइएगा बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को 5 लाइन करनी है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और क्या आ गया बेटा हमारे पास, 5 लाइन आ गया। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ओके। इसमें क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन कुछ इस तरह से होता है, नीचे तो होता है सिग्मा और ऊपर वाला होता है बेटा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर आता है ऐसे पाई एंड ऊपर वाला जो होता है ये होता है पाई एंटी बॉन्डिंग, और बीच में जो होता है बेटा इसके सेंटर में वो क्या होता है बच्चों, नॉन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन बॉन्डिंग होता है। ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, ये भी बॉन्डिंग होता है बेटा। स्टार वाले क्या होते हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग होता है। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो कोई डाउट हो तो क्लियर है बच्चों। यहाँ से क्या पता पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, वो कौन सा कंपाउंड है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ट्रांजिशन जो होता है बेटा इसमें वो होता है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तरफ को, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा बेटा, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ओके। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नंबर सेकंड जो होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है बिल्कुल ध्यान से, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। थर्ड वाला कौन सा होता है बेटा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नंबर फोर जो होगा कौन सा होगा बेटा, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। बताओ कोई भी डाउट हो तो बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर कौन पार्टिसिपेट होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे बेटा हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड, सी में कोई भी आ सकता है, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री हो सकता है इसमें, ई टी सी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बात करें, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, सिग्मा आ गया तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कार्बन एटम भी होगा, पर कार्बन एटम के साथ कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा। एग्जाम्पल देखो, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड एक्स की जगह क्या ले सकते हैं आप, बी आर ले सकते हैं। सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड एक्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, सी एल ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ओ एच ग्रुप भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सी के साथ सिंगल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। क्लियर है यहाँ तक। कहने का मतलब ये कि ट्रांजिशन के अंदर कौन से कंपाउंड आएंगे बेटा जिनमें सिंगल बॉन्ड के कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो रहा हो। फाइनल है, आगे आइएगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा, इसमें डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन पार्टिसिपेट होते हैं ओनली, जिसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ओके। लाइक एग्जाम्पल में हम बात करते हैं बेटा, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू डबल बॉन्ड आ गया बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड हो गया है और ये यहाँ पहुँच जाएगा।
नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, पाई आ रहा था उसका मतलब डबल बॉन्ड तो होगा, कार्बन भी होगा, बट इसके साथ कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप अटैच होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, डबल बॉन्ड एस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन के अंदर कौन से कंपाउंड आएंगे जिनमें कार्बन भी और डबल बॉन्ड भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी अटैच हो रहा हो। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो।